हेलो एवरीवन, आपका बहुत वेलकम है इस कंप्यूटर क्लास में। कल हमने कुछ अलाइनमेंट्स की बात की थी, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो आज हम फॉर्मेटिंग वर्ड, एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग में कुछ और अलाइनमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंडेंट स्पेस क्या होता है और आउटर स्पेस क्या होता है। जो हम लेफ्ट पे मार्जिन छोड़ते हैं उसको कहते हैं इंडेंट। किसी भी पैराग्राफ में इंडेंट, इंडेंट क्या कहते हैं? लेफ्ट पे जो मार्जिन छोड़ते हैं, जो स्पेस छोड़ते हैं, इंडेंट, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग इंडेंट भी। अब जाहिर सी बात है, जब लेफ्ट पे छोड़ा है तो राइट पे तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो और जब हम राइट में ज़्यादा छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको या तो कहेंगे आउटडेंट या कहेंगे डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्यों होगा? इंडेंट लेफ्ट साइड का होता है, और जब हमने राइट पे लिया है, राइट पे छोड़ा है, तो लेफ्ट पे कम हो गया। तो इंडेंट और आउटडेंट क्या होता है? जब इंक्रीज इंडेंट होगा तो इंक्रीज इंडेंट में राइट पे कम हो जाता है, और जब डिक्रीज इंडेंट होगा तो लेफ्ट पे कम हो जाता है मार्जिन। और इसकी जो आपको सारे के सारे अलाइनमेंट्स और सारी की सारी जो मार्जिन्स वगैरह सब पैराग्राफ के जो जितने भी फॉर्मेटिंग है, ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी, एक कमांड याद रखिए, ऑल टच पी जी में आप ऑल टच पी जी कीजिए, आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पे आप डाउन एरो से या टैप टैप से क्या बोल रही हूँ टैप टैप से या डाउन एरो से आपको सारे ये अलाइनमेंट और इंडेंट आउटडेंट मिल जाएगा। शॉर्ट कमांड में बताऊंगी, लेकिन ये मैंने आपको पूरा पैराग्राफ की आप चीज़ें बता दी हैं। इंडेंट किसको कहते हैं और आउटडेंट क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। जब डिक्रीज इंडेंट होगा तो क्या होगा? तो ये आउटडेंट है, और जब इंक्रीज इंडेंट होगा तो क्या होता है? एक मिनट सुनिए, इंक्रीज इंडेंट है। जब इंडेंट इंक्रीज है, इंडेंट मतलब लेफ्ट साइड में, तो क्या है आपका आउटडेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और जब आपका डिक्रीज इंडेंट है तो आपका आउटडेंट है, और ये आपका इंक्रीज हो गया। ये आपको ध्यान रखना होगा, अलाइनमेंट्स पढ़ेंगे ऑल टेक्स्ट पीजी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। आज बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की। तो देखिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले, और ये ऑल टेक्स्ट पीजी आपको कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट करें वर्ड में ऑल टेक्स्ट पीजी, सारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब कुछ और अलाइनमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि वर्ड हमने खोल लिया और हमें कुछ, आपने अलाइनमेंट के नाम सुनेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना? तो बोल्ड क्या होता है? जो हम वर्ड्स लिखते हैं वो थोड़े डार्क हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, तो वो बोल्ड होते हैं। इटैलिक में हल्का सा तिरछा होता है और कुछ इटालियन स्टाइलिश टाइप स्टाइल हो जाता है कुछ। और अंडरलाइन तो आपको पता ही है, और अंडरलाइन भी कई तरह का होता है, सिंगल, डबल, लेकिन एक अंडरलाइन की कमांड भी बताऊंगी आपको, बेसिकली बता देती हूँ। आप या तो वर्ड में ऑल्ट की प्रेस करें, बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम पे ही जाएगा फोकस, नहीं तो आप राइट एरो से या लेफ्ट एरो से आप होम टैब पे जा सकते हैं। टैब टैब से बोल्ड अंडरलाइन, बोल्ड पे जाएंगे वहाँ एंटर कर देंगे, इटैलिक पे जाएंगे वहाँ एंटर कर देंगे, आपका इटैलिक चाहिए तो अंडरलाइन पे जाएंगे तो अंडरलाइन पे जैसे ही एंटर करेंगे तो कई तरह की अंडरलाइन दिखाएगा। या आप ऑल टच कर दें, डायरेक्ट ऑल टच करेंगे तो होम टैब में ही आएंगे, फिर टैप टैप से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको मिलेंगे ऑप्शन, इन पे एंटर करेंगे तो आपको बोल्ड हो जाएगा, और इटैलिक पे इटैलिक और अंडरलाइन कई तरीके का होगा। इसके साथ साथ आप इंसर्ट एफ करके चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्मेटिंग जो आपने दिया है वो हुआ या नहीं हुआ। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। वैसे कमांड नोट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस बी, बेबी वाला बी, बनाना वाला कंट्रोल बी बोल्ड के लिए है, उसी से बोल्ड ऑन होगा और उसी से बोल्ड ऑफ होगा। अब याद रखिएगा, सिलेक्ट करके हमेशा फॉर्मेटिंग कीजिएगा, चाहे आपको जितने लाइंस में करनी है वर्ड्स, मैंने आपको सारे सिलेक्शन कमांड बताई हैं, तो जितने वर्ड में करनी है या जितने लाइन में करनी है उनको पहले सिलेक्ट कीजिए। उनमें जो भी आज तक फॉर्मेटिंग मैंने बताई है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है अगर आप सिलेक्ट करके करेंगे तो ही होगा प्रॉपर फॉर्मेटिंग, नहीं तो नहीं होगी। तो कंट्रोल बी से बोल्ड ऑन और कंट्रोल बी से ही बोल्ड ऑफ होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक ऑन होगा और इटैलिक ऑफ भी कंट्रोल आई के साथ ही होगा। अब दोबारा प्रेस कर देंगे कंट्रोल आई, कंट्रोल यू अंडरलाइन ऑन और कंट्रोल यू
अंडरलाइन ऑफ, कंट्रोल यू करने से अंडरलाइन डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई आपको आवश्यकता नहीं है कि अप डाउन एरो से आप देखिए सिंगल हैंड सिंगल डबल ये वो तो आपको अंडरलाइन डायलॉग बॉक्स पे जब एंटर करते हैं तब वहाँ पे अप डाउन एरो से आप देख सकते हैं, तब मिलेंगे। लेकिन डायरेक्ट कमांड से कीजिए, क्योंकि टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है और एक वीआई के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सके। आप मेरी बात को बेहतर समझ सकते हैं। तो कंट्रोल बी बोल्ड ऑन, कंट्रोल बी इसी से दोबारा बोल्ड ऑफ करना है कभी भी। या मान लीजिए आपने एक जगह बोल्ड ऑन किया और अगली चीज़ों में भी आपका वो बोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट आ भी गया, तो उससे जहाँ नहीं चाहिए उनको भी सिलेक्ट करें और कंट्रोल बी से कर देंगे तो बोल्ड ऑफ हो जाएगा, और जहाँ चाहिए वहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड ऑन हो जाएगा, है ना। अगर इन केस आपने कहीं और 6 लाइन में चाहिए था, आपने 8 लाइन नंबर 8 पे गए, आपने देखा कि अरे इन लाइंस में तो चाहिए नहीं था, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो आप उन्हें सेलेक्ट करें कंट्रोल बी भी कर देंगे दोबारा कंट्रोल बी, तो वो बोल्ड ऑफ हो जाएगा। यानी ऑन ऑफ इसी से होगा, कंट्रोल आई इटैलिक ऑन, कंट्रोल आई इटैलिक ऑफ, दोनों के लिए ये रहेगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन ऑन, कंट्रोल यू अगेन अंडरलाइन ऑफ, यानी कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी ऑन होगा और अंडरलाइन भी ऑफ होगा। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होते हैं ये लोग। तो सब स्क्रिप्ट होती है आपकी, जैसे मैंने आज कई चीज़ें बताई हैं आपको, तो यही रहने दीजिए, क्योंकि आपको ये बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन और आप इंडेंट आउटडेंट जितना भी पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स पढ़ाए मैंने ऑल्ट एच पी से, इन सब का बेहतर प्रैक्टिस कीजिए। जिन लोगों के पास सिस्टम है वो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, और जिनके पास नहीं है वो मेरे ट्यूटोरियल को 2-3 बार सुने तो आपको याद हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो राधा जी को आप बता दो, तो उनको मैं कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बेहतर आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कल हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट देखेंगे, तो ऑल द बेस्ट।